सो अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपका जो है हीप डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर गेट के क्वेश्चन पेपर में कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो इसका मतलब वो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% में क्या होता है, अगर लेंदी क्वेश्चन है तो वो ईजी ही होता है। तो ये नहीं कि बहुत लेंदी क्वेश्चन अगर दिख गया तो उसको स्किप कर जाए, अगर उसको एक बार हम केयरफुली रीड करेंगे तो उसका आंसर बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन ऑपरेटर डिलीट आई, एक ऑपरेटर दिया हुआ डिलीट आई फॉर बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा? बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर इज टू बी डिजाइन टू डिलीट द आइटम इन द आईथ नोड। ओके, सपोज दैट ये आपकी एक हीप है, और हाँ यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ये मैक्स हीप है या मिन हीप है। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम अप्लाई करते हैं, किसी भी हीप, चाहे आप मिन हीप या मैक्स हीप कोई भी यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो है मैक्स हीप लिया, मिन हीप भी ले सकते हैं। ओके, तो आईथ नोड का मतलब कोई भी एक, आई सपोज दैट 4 है तो इसका मतलब फोर्थ नोड विच इज नथिंग बट 32। तो आई क्या कर रहा है, उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। एज्यूम दैट द हीप इज इंप्लीमेंटेड इन एन एरे, जो हीप हमने इंप्लीमेंट किया वो एरे में, एंड आई रेफर्स टू द आईथ इंडेक्स ऑफ द एरे। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि किस तरीके से एरे को, मतलब हीप को एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अगर आपकी ये हीप है तो इसका मतलब ये एरे ही है। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 1, उस पर एलिमेंट 50 है, देन 40, 45, 32, 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से, यानी टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट अगर लिखेंगे वो एरे ही हो जाएगा। इफ द हीप ट्री हैज डेप्थ डी, अगर ये आपकी हीप ट्री है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डेप्थ क्या है, डी है, और डेप्थ का डेफिनेशन भी यहाँ मेंशन है, नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द फार्थेस्ट लीफ। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्री की डेप्थ कैलकुलेट करनी हो तो रूट से जो सबसे फार्थेस्ट लीफ है कौन सा है, 10 एंड 15, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ क्या है, एजेस, तो इसका मतलब 1, 2 एंड 3, तो इस ट्री की डेप्थ क्या है, 3 है, ये हो गया। देन वॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू रीफिक्स द हीप इफिशियंटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया मैक्स हीप या मिन हीप में डिलीशन क्या होता है, रूट नोड, क्या हम मैक्स हीप में कोई भी एक पर्टिकुलर सपोज दैट इस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, नहीं। इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कई बार डिलीट करते हैं, जब ये रूट बनेगा तभी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। उसमें क्या है, डिलीट आई एक आपका ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू जो भी प्रेजेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो जब उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद क्या करना है, उसको रीफिक्स करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हम एक एलिमेंट डिलीट करते हैं तो वो डिलीशन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करो, तो क्या करते हैं, हम मैक्स हीप फाइव फंक्शन अप्लाई करते हैं उसको रीफिक्स करने के लिए। तो वही जब रीफिक्स करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं, लेट्स से अगर हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करें तो डिलीशन किस तरीके से होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू होती है और जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट, वही सेम अप्रोच यूज करेंगे। वहां क्या होता था, अगर सपोज हमें इसको डिलीट करना है, ओके, तो इसमें से, इस हीप में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, इसका मतलब फर्स्ट नोड, दैट मीन्स रूट नोड, इसको क्या करते हैं, लास्ट वाले इंडेक्स से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद जो है इसको यहाँ ले आते हैं, लेट से डिलीट करते हैं इसको। अगर हमने यहाँ डिलीट किया इसको, तो यहाँ क्या है, 15 यहाँ चला आता है और 50 यहाँ आ गया, उसके बाद साइज एक डिक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब अब ये इस पर्टिकुलर जो है हीप का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट आपका डिलीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, रूट पे मैक्स हीप फाइव फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। तो मैक्स हीप फाइव में क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं, इसको इससे, तो जो ग्रेटर होगा वही रूट बन जाएगा। कौन सा ग्रेटर है, 45, तो यहाँ हमने रूट बना लिया और यहाँ 15 आ गया। फिर इसको कंपेयर करेंगे तो 35 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। ओके, सॉरी, ये 15 यहाँ आ गया। इस तरीके से डिलीशन होता है। तो ये तो रूट नोड हो गया, यहाँ हम कोई सा भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम 40 डिलीट करें, तो क्या हम 40 डिलीट कर सकते हैं, यस। क्या करेंगे, लास्ट वाले नोड को, अब तो ये लास्ट नोड हो गया, लास्ट वाले नोड को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो 40 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ गया। ओके, और इसको क्या करते हैं, साइज एक डिक्रीज कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मैक्स हीप फाइव फंक्शन अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैक्स हीप हमने लिया एज एग्जाम्पल। अगर मिन हीप होता तो मिन हीप फाइव अप्लाई करते, तो 10 को कैसे कंपेयर करें, 32 एंड 30, तो कौन सा ग्रेटर है, 32, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये लीफ नोड है तो यहीं स्टॉप कर जाएंगे। तो पूछ रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मैक्स हीप फाइव फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ हाइट क्या है आपका, डेप्थ के टर्म में लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि डेप्थ क्या है, डी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ डी। मैक्स हीप फाइव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो यहाँ लॉग एन क्या होती है, हाइट ऑफ द ट्री, बट यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है उसी हाइट के डेफिनेशन को इन्होंने डेप्थ मान लिया, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ डी आएगी। ऑर्डर ऑफ वन, हाँ ऑर्डर ऑफ वन भी हो सकती है। ओके,
मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हम इस एलिमेंट को डिलीट करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ क्या करेंगे सिंपली क्या इसको डिलीट, अगर सपोज इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे सिंपली डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट नोड है, कुछ भी नहीं करना है। साइज क्या करेंगे हीप की साइज को डिक्रीज, मतलब ये एलिमेंट्स नहीं है सिर्फ 7 एलिमेंट है, तो सिंपली क्या करेंगे इसको हमें रिप्लेस नहीं करना है किसी से, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर सपोज ये हम डिलीट करें इसको इससे रिप्लेस करेंगे, ये लास्ट खुद ही इसको रिप्लेस करेंगे वही एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब क्या सिंपली यहाँ इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ क्या लग रहा है ऑर्डर ऑफ वन टाइम, लेकिन अगर रूट नोड हम डिलीट करेंगे ओके, इसका मतलब ये कि हाँ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है बिग ऑफ वन से लेके ऑर्डर ऑफ डी ओके, बट जब भी हम टाइम को यानी ए रेंज यानी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो सकती है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेप्थ दैट मीन्स डेप्थ ऑफ द ट्री, बट जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है तो हम ये रेफरेंस मान के चलेंगे कि हम वर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं ओके। कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो को ही कंसिडर करके चलेंगे, क्यों क्योंकि वर्स्ट केस परफॉर्मेंस क्यों कैलकुलेट करते हैं उसमें सारे पॉसिबल इनपुट हमारे कवर हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लीफ नोड डिलीट कर रहे हैं, डिलीट आई का मतलब किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, तो वो रूट नोड भी हो सकता है, ये वाला नोड भी हो सकता है, ये वाला भी नोड, अगर रूट नोड को डिलीट करेंगे तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है ये पूरी डेप्थ तक आ सकता है, जब इस पर सपोज दैट इसको हमने डिलीट किया तो मैक्सिफाई करते हुए हो सकता है, लेट से अगर इसको हम डिलीट करते हैं 45 को तो क्या करेंगे 15 को यहाँ रिप्लेस कर देंगे और 45 आपका यहाँ आ गया ओके। उसके बाद क्या करेंगे साइज को डिक्रीज कर देंगे, उसके बाद यहाँ मैक्सिफाई अप्लाई करेंगे, तो मैक्सिफाई अप्लाई करेंगे तो 15 इससे कंपेयर हुआ तो यहाँ 35 यहाँ चलाया, क्योंकि यहाँ क्या है 35 है 32 है, तो क्या होगा 35 यहाँ जाएगा 15 यहाँ आएगा, 32 35 में जो ग्रेटर होगा वही जाएगा रूट बनेगा। फिर इसको क्या करेंगे इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे तो 28 ग्रेटर है, तो 28 यहाँ आ गया 15 यहाँ आ गया, तो देखो यहाँ था और लीफ में आ गया, तो इसका मतलब क्या है डेफिनेशन नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द फार्देस्ट लीफ, तो रूट ये था फार्देस्ट लीफ ये था ओके, तो इसलिए इसमें क्या आएगा डेप्थ, तो ऑर्डर ऑफ डी बट नॉट ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन अगर हम कंसिडर कर लेंगे तो इसका मतलब ये कि सिर्फ लीफ नोड को ही कंसिडर कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में यहाँ कहीं भी मैंशन नहीं है कि डिलीट ऑफ आई सिर्फ जो है लीफ नोड को डिलीट कर, किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ वन ना होके सेकेंड ऑप्शन होगा बी ओके। सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कंसिडर ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है वेयर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ द रूट्स द रूट आर मैक्स हीप, एक आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है उस पर्टिकुलर कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है, देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है ये आपका रूट नोड है, इसके लेफ्ट में एक आपकी क्या है लेफ्ट सब ट्री, राइट में एक राइट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, क्वेश्चन में ये है कि ये दोनों क्या है मैक्स हीप है, दैट मीन्स ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है राइट सब ट्री, और ये भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बट इसके बारे में हमें नहीं पता है ओके कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन द लोअर बाउंड फॉर द नंबर ऑफ ऑपरेशन टू कन्वर्ट द ट्री टू हीप ओके, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मैक्स हीप लिखा हुआ था, इस पर्टिकुलर कंप्लीट बाइनरी ट्री को जो कि इसका लेफ्ट सब ट्री मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, राइट सब ट्री जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या होगा ओवरऑल मैक्स हीप बन जाए, तो इसकी क्या करना है लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब क्या है इस रूट पे आएंगे और इस पे क्या करेंगे मैक्सिपीफाई अप्लाई कर देंगे, सिंपली कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे मैक्सिपीफाई, मैक्सिपीफाई अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा जहाँ भी इसकी पोजीशन होगी वो जाके अरेंज होगा, तो मैक्सिपीफाई फंक्शन की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यानी मैक्सिपीफाई फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती बिग ऑफ लॉग एन सिंपली, बट यहाँ पूछ क्या रहा है लोअर बाउंड, ये क्या बताता है अपर बाउंड, यहाँ क्या है बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ लॉग एन का मतलब लॉग एन और लेस देन लॉग एन, क्योंकि यहाँ क्या है अगर मैक्सिपीफाई अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है लॉग एन, मिनिमम तो ऑर्डर ऑफ वन भी लग सकता है ओके, यानी नंबर ऑफ कंपैरिजन या स्वैपिंग जो भी होगी उसका अपर बाउंड क्या आता है बिगो ऑफ लॉग एन, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी रिप्रेजेंट करते हैं वो बिगो के टर्म में, क्यों क्योंकि वो सारे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कंटेन करता है, लॉग बिगो ऑफ लॉग एन का मतलब लॉग एन और लेस देन लॉग एन, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका रूट नोड है ये ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा कॉन्स्टेंट टाइम, तो ये इसको इंक्लूड किया है लॉग एन बिगो ऑफ लॉग एन का मतलब लॉग एन और लेस देन लॉग एन, तो लेस देन लॉग एन में क्या होगा आपका कांस्टेंट टाइम भी आएगा, बट यहाँ अगर ऑप्शन हम यहाँ देखते हैं तो कहीं भी यहाँ बिगो ऑफ लॉग एन नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो सबसे नियरेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ओमेगा ऑफ लॉग एन, बट ये एग्जैक्ट ये आंसर नहीं होगा, ऐसा अगर यहाँ ऑप्शन में ओमेगा ऑफ वन होता तो लोअर बाउंड तो ये भी आंसर सही होता, बट यहाँ ओमेगा ऑफ वन नहीं है, ओमेगा ऑफ वन का मतलब वन और ग्रेटर देन वन,
लेकिन यहाँ आंसर क्या है, ओमेगा ऑफ लॉग एन, तो इससे रिलेटेड सिर्फ यानी रिलेवेंट आंसर क्या आएगा आपका, ए। ओके, सो अभी प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ चार स्टेटमेंट गिवन है, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप, क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना मैक्स हीप में, इज ऑलवेज एट लीफ नोड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हमें मैक्स मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना हो वो क्या होगा, रूट नोड, लेकिन मैक्स हीप में अगर मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा लीफ नोड में होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ रूट नोड, यहाँ क्या फाइंड करा, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब ये है कि अगर सपोज दैट यहाँ आपका रूट नोड होगा वहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लेट्स से नेक्स्ट इस पे सबसे मैक्सिमम आएगा, सेकंड मैक्सिमम इस लेवल पे आएगा, वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, लेवल मतलब ये है कि ये या तो लेफ्ट चिल्ड्रेन होगा या तो राइट चिल्ड्रेन होगा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बट क्वेश्चन क्या है, इज ऑलवेज अ चाइल्ड ऑफ रूट नोड, इसका मतलब जो नेक्स्ट मिनिमम होगा, दैट मीन नेक्स्ट का मतलब सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी मिनिमम नहीं लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मैक्स हीप का हमेशा रूट नोड का चिल्ड्रेन ही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड वन, अ मैक्स हीप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री इन थीटा ऑफ एन टाइम, एक बाइनरी सर्च ट्री आपको गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना, मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है थीटा ऑफ एन टाइम में, क्या ये पॉसिबल है। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में सारे उससे मिनिमम होते हैं, रूट नोड के राइट सब ट्री में क्या होते हैं, सारे उससे मैक्सिमम होते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ क्या आपका 10 है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में सपोज दैट 8 है, इधर क्या आ सकता है 11, लेट्स से 7 आ सकता है, इधर 9 आ सकता है, और इधर लेट से 30 नहीं आएगा, 10 के 11, यहाँ हम 12 ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 ले लिया तो 11 इधर ले सकते हैं और 13 यहाँ ले, ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, वन बाय वन सारे एलिमेंट पिक करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज दैट ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ये मैक्स हीप, इस पर क्या करेंगे, बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई करेंगे और वो थीटा ऑफ एन टाइम में आपका बैक, बिल्ड मैक्स हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, थीटा ऑफ एन टाइम। तो वन बाय वन सारे एलिमेंट को पिक किए और उससे करस्पॉन्डिंग एक ट्री ड्रॉ कर ली, उसके बाद उस पर बिल्ड मैक्स हीप अप्लाई किए तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ एन टाइम, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट, अ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मैक्स हीप इन थीटा ऑफ एन टाइम, यानी मैक्स हीप आपको गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो थीटा ऑफ एन टाइम में हो पाएगा, तो देखते हैं क्या ये आपकी मैक्स हीप है, नहीं ये मैक्स हीप नहीं है। तो सपोज दैट हमने इसको मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट कर लें, लेट से यहाँ आपका 13 है, इधर 11 ले लिया, 12 इधर है, लेट से यहाँ 5 है और यहाँ 7 हो सकता है, इधर 6 ले लिया, ये 9 हो गया, तो क्या ये आपकी मैक्स हीप है, हाँ ये सारे एलिमेंट्स जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर। अब इसको लिए और वन बाय वन सपोज दैट हमने क्या किया, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, सपोज लेट से एन नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो बाइनरी सर्च ट्री लेट से बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बन रही है, ओके, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, थीटा ऑफ एन लॉग एन, ये कभी थीटा ऑफ एन टाइम में मैक्स हीप के करस्पॉन्डिंग, अगर मैक्स हीप गिवन है उसमें हम वन बाई वन सारे एलिमेंट लिए उसके करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बेस्ट केस में थीटा ऑफ एन लॉग एन, और वर्स्ट केस में क्या आएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मैक्स हीप है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो वन बाय वन सारे एलिमेंट को अगर ले रहे हैं, लेट से अगर इसी एलिमेंट को ले लिए, 13 को ले लिए, 13 को रूट बना दिए, लेट से उसके बाद आपका आ रहा है 12, 12 यहाँ आ गया, मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है, 12 यहाँ आ सकता है, 11 यहाँ आ सकता है, ओके, और ये 6 है, 6 की जगह पे लेट से हम 5 लिख दे रहे हैं और यहाँ हम 6 लिख रहे हैं, यहाँ 7 लिख रहे हैं, ये 9 लिख रहे हैं, अभी भी ये क्या आपकी मैक्स हीप है, मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है, ये भी मैक्स हीप है। सपोज लेट से थीटा ऑफ एन लॉग एन, तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में आएगी जब आपकी ट्री बैलेंस बन रही है, पर वर्स्ट केस भी एक बार कंसिडर करते हैं, 13 लिए, 13 के बाद क्या आ रहा है 12, 12 के बाद क्या आएगा 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये पूरी ट्री क्या होगी, लेफ्ट स्क्वायर ट्री बनती चली जाएगी अगर वन बाय वन सारे एलिमेंट्स हमने ले लिया, तो ऑर्डर इसका ऐसे नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 6, 5, अगर ये हम ट्री ले रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, वर्स्ट केस, दैट मीन्स टोटल क्या आएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर टाइम, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला सही नहीं होगा। यानी लास्ट ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि सपोज दैट हमने एक मैक्स हीप लिया, प्रीवियस एग्जांपल जो था मैक्स हीप लिया, उसके करस्पॉन्डिंग अगर बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, थीटा ऑफ एन लॉग एन। लेकिन अगर ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है कि इसको जब देखें तो ये ऑलरेडी आपका सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये भी मैक्स हीप है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी बाइनरी सर्च ट्री, तो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट लेफ्ट की ही तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगी, लेफ्ट स्क्वायर ट्री,
तो इस तरह के ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में क्या लगता है, थीटा ऑफ एंड स्क्वायर टाइम, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। ओके।